पूरे भारत देश में इस वक्त चैत्र नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है, जिसे बड़ी धूमधाम से मनाया भी जा रहा है। इसी के चलते वरिष्ठ महामंडलेश्वर श्री सोमेश्वर यति महाराज ने समस्त भक्तजनों को नवरात्रि के पावन अवसर पर निष्ठापूर्वक देवी की आराधना करने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि देवी के पावन चरित्रों से पढ़कर कुछ भी नहीं है, इनकी कृपा से सभी कष्टों का निवारण शीघ्र हो जाता है। इस अवसर पर मंदिर के आस्थावान भक्त मोहन चंद्र पांडे सहित अनेक लोग मौजूद रहे। शिव वो शक्ति की भूमि देवभूमि उत्तराखंड में नवरात्रि का पावन पर्व समूचे देवालयों में बड़े धूमधाम उमंग व उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। कुमाऊं के प्रवेश द्वार, बेरी पड़ाव के श्री अष्टादश भुजा माता महालक्ष्मी के मंदिर में भी इन दिनों नवरात्रि के पावन अवसर पर उमंग व उत्साह से यहाँ का आध्यात्मिक वातावरण बड़ा ही अद्भुत व निराला है। इसी क्रम में हमारे बीच में उपस्थित हैं वरिष्ठ महामंडलेश्वर श्री सोमेश्वर यति महाराज जी, जो निरंतर आस्था व भक्ति का अनोखा संदेश देकर समाज में नई आध्यात्मिक क्रांति व चेतना लाए हुए। आइए मिलते हैं महाराज जी। लाइव टीवी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, और सबसे पहले आपसे यह जानना चाहेंगे कि नवरात्रि के पावन अवसर पर स्थानीय भक्तों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सर्वप्रथम सनातन धर्म का जो ये नव वर्ष है जी, आप सभी को मंगलमय हो। इस माँ शांति नवरात्र में जी हमारे हिंदू धर्म में माँ भगवती की आराधना की जाती है जी, और इसी क्रम में हमारे भगवान राम अवतरित हुए हैं। रामनवमी का पावन पर्व मनाया जाता है, और माँ भगवती की आराधना का विशेष महत्व है, क्योंकि इस समय जो चैत्र का मौसम होता है बहुत ही सुहावना होता है, और माता की आराधना करने से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के जो पाप कर्म होते हैं जी वह क्षय हो जाते हैं और दूर भाग जाते हैं। बहुत सुंदर। श्री अष्टादश भुजा माता महालक्ष्मी मंदिर के वरिष्ठ महामंडलेश्वर श्री सोमेश्वर यति महाराज जिस समय राष्ट्रीय न्यूज चैनल लाइव टीवी के साथ हैं। महाराज जी, राष्ट्रीय न्यूज चैनल लाइव टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे यह जानना चाहेंगे कि नवरात्रि के पावन अवसर पर श्री अष्टादश भुजा माता महालक्ष्मी की पूजा व अर्चना का क्या महत्व है? सर्वप्रथम यह जो बासंती नवरात्र है, यहाँ पर माँ भगवती के आराधना की जाती है जी। माँ भगवती की आराधना देवी के नौ स्वरूपों के द्वारा की जाती है जी, प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी के द्वारा, और इस उपरांत इसमें श्रीमद् देवी भागवत और भागवत की कथाओं का विशेष महत्व माना गया है, क्योंकि यह जो हमारे जीवन में जो अनैतिक काम होते हैं, जो हमारे इस समाज में जो विभिन्न प्रकार के दुष्कर्म होते हैं, इन सब को दूर करने के लिए माँ भगवती की आराधना की जाती है, और हमारे समाज में, हमारे क्षेत्र में, हमारे देश में धर्म का जो आस्था है, केंद्र है महालक्ष्मी मंदिर, यहाँ पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम होते हैं ताकि हमारे क्षेत्र की जनता को सुख समृद्धि का लाभ हो। अच्छा, वर्तमान में यहाँ पर क्या कार्यक्रम चल रहा है इस समय? अष्टादश भुजा श्री महालक्ष्मी मंदिर में इस समय श्रीमद् भागवत कथा महापुराण चल रही है, और इसमें आचार्य नमन कृष्ण जी हैं, और समझ ट्रस्ट के द्वारा आयोजित किया गया है। समय समय पर यह कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। रमाकांत पंत की रिपोर्ट।